श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में संत आशाराम बापू की प्रेरणा से हर साल की तरह इस साल भी देश भर के सभी 450 आश्रमों में समितियों द्वारा दीपावली के अवसर पर जरूरतमंदों को जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। दुर्ग जिला के संत आसाराम बापू आश्रम बिलौदी और नंदनी आश्रम में जरूरतमंद 300 महिला एवं और छोटे बड़े सभी को मिलाकर 500 परिवारों को जीवन उपयोगी आवश्यक सामग्री जैसे गर्म कपड़े, साड़ी, शर्ट, पैंट, बर्तन, दिया, तेल, मिठाई, जूते, चप्पल, बाल्टी, नूतन वर्ष 2025 का बापू जी की श्री चित्र वाली कैलेंडर, बच्चों को नोटबुक और टॉफी भी बांटी गई। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता उड़ीसा से पधारे महाराज श्री ओमकारानंद जी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में महाराज जी ने लोगों के बीच सबसे पहले भगवान नाम कीर्तन कराया और भगवान नाम की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि पहले के युग में कई वर्ष तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती थी वह इस कली काल कलयुग में केवल भगवान नाम या हरि नाम कीर्तन से मिलती है। जिन्हें स्वस्थ रहना है वह सुबह उठें और शुद्ध हवा का सेवन करें, आसान प्राणायाम व्यायाम जरूर करें और सच्ची कमाई भी करें जो साथ जाए। संत श्री से दीक्षा लेकर आज भी करोड़ों लोग मांस मदिरा गलत कार्य को छोड़कर सुबह का नियम आसन प्राणायाम जप पाठ करके अपने जीवन की सच्ची कमाई कर रहे हैं। दिवाली हो सभी के लिए खुशहाली, ये चाहते हैं संत आसाराम बापू जी। पूज्य बापू जी के प्रेरणा से आशीर्वाद से लगभग भारत में 450 आश्रम, 1200 समितियां विदेश के। दिवाली में जैसे हर घर में दीप जले और दिवाली वो भी मनाएं जो गरीब हैं और उनको जरूरतमंद जीवन उपयोगी वस्तुएं मिले, तो इस प्रकार से कार्यक्रम होता है देश विदेशों में। और आज यहाँ बिलोदी आश्रम में भी हुआ, लगभग 300 से भी ज़्यादा आए थे जो दरिद्र नारायण और बाकी बच्चे, तो सबको आज यहाँ किट दिया गया कि वो भी दिवाली मनाए और उनकी भी जीवन खुशहाली हो जाए। अंत में आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया एवं जरूरतमंदों में जीवन उपयोगी सामग्रियों के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।